क्या आपको पता है कि हम सब की लोकप्रिय कॉफी भारत में 16वीं शताब्दी से ही पाई जा रही है। इस दिलचस्प पेय पदार्थ की अफ्रीका से मध्य पूर्व और वहां से भारत तक के सफर की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। एक लोक कथा के अनुसार कॉफी का पौधा सबसे पहले इथियोपिया के एक चरवाहे की नजर में आया, जब उसने अपने पशुओं को कुछ लाल बीज के सेवन के बाद ज्यादा स्फूर्तीला पाया। इसका प्रमाण शायद आज ना मिल पाए, पर इतना तो पता है कि अरबी दुनिया में कॉफी बेहद लोकप्रिय बन गई। पर कॉफी भारत में बड़े ही अनोखे तरीके से आई। कहा जाता है कि बाबा बुधन नामक सूफी संत ने कुछ बीज अपने पास यमन देश के मोका शहर से मक्का लौटते वक्त रखे थे। घर लौटकर उन्होंने ये बीज चंद्रगिरी के पहाड़ियों पर उगाए जहां वो रहते थे, और इस तरह कॉफी की उत्पादन शुरू हुई। 17वीं शताब्दी से कॉफी उच्च वर्गीय भारतीयों में लोकप्रिय हो गई और मुगल शहरों का भी एक अहम हिस्सा बन गई। शाहजहानाबाद में कई सारे कावा खाने थे। इनका जिक्र यूरोपीय यात्रियों के किस्सों में भी पाया जाता है। दुर्भाग्यवश मुगलों के पतन के बाद कॉफी की लोकप्रियता कम हो गई, क्योंकि अंग्रेजों को चाय ज्यादा पसंद थी। पर अजीब बात यह है कि अंग्रेजों ने ही अराबिका के बाग दक्षिणी भारत की पहाड़ियों में उगाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी के इसी सहायता की वजह से कॉफी 200 साल बाद फिर से लोकप्रिय बन गई। 19वीं सदी से कॉफी भारत के नए उपनिवेशी क्लबों में परोसी जा रही थी। आज भारत विश्व में सबसे बड़े कॉफी के उत्पादकों में छठे स्थान पर गिना जाता है, और यहाँ अब कॉफी के 16 अनोखे प्रकार मिलते हैं।